Assalamu alaikum. Professor Tahir Masood is back today to teach next lecture, which is 15. And our course is to remind you or remind ourselves management 400, management theory and practice. So in lecture 15, we will talk about three topics, and I found some very nice presentations today for you. उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अब तक जो हमने लास्ट लेक्चर था उसको आपने थोड़ा बहुत रिवाइज़ किया होगा और उससे इस लेक्चर में हम आगे चलते हैं और आज तीन टॉपिक्स जिस पे बात करेंगे. एक है कंट्रोलिंग द परफॉर्मेंस इन ऑर्गेनाइजेशंस. हम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, हम मैनेजर्स की बात कर रहे हैं, हम ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहे हैं, हम नेशनल इंटरनेशनल कंपनीज की बात कर रहे हैं. उसके अंदर ये कंट्रोलिंग परफॉर्मेंस का पहलू जो है ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है. उसके बाद कुछ बात करेंगे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एंड मैनेजमेंट के. क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का मैनेजमेंट से क्या रिलेशनशिप है, क्योंकि जब आप मैनेजमेंट की बात करते हैं या करती हैं तो उस सूरत में इसका ताल्लुक क्वालिटी कंट्रोल से बड़ा गहरा है, क्योंकि आप जो कुछ करना चाहते हैं या चाहती हैं वो क्वालिटी आउटकम उसका जो है वो बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि हर कोई क्वालिटी 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 और क्वालिटी के साथ हम हमेशा बात करते हैं टू अचीव एक्सेलेंस. ये दो ही हमारी कोशिश होती है और हमारा मोटो भी यही होना चाहिए टू अचीव एक्सेलेंस and in that achievement it should be of quality. Teesra topic jo hai is lecture mein aaj wo role of information technology. Chand saalon se it has come in a big way in our education, in our working, in our jobs. Iska education, knowledge aur application IT ki badi important ho gayi hai. So let's go back and start our talk with the controlling performance. तो इसमें पहली presentation controlling पे जो मैं आपको दिखाऊंगा, ये अच्छी presentation है, बहुत लंबी भी नहीं है. तो controlling as a management function, जैसे मैंने introduction में अभी जिक्र किया कि management के कई functions हैं, उसके अंदर एक function ये भी है कि मैनेजर जो है वो कंट्रोलिंग एबिलिटी और उसको आना चाहिए और पता होना चाहिए, बिकॉज ही और शी हैज़ पीपल हु आर वर्किंग अंडर हिम. तो इस वास्ते उनका मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग बड़ा इम्पोर्टेंट पहलू है. तो कंट्रोलिंग की डेफिनेशन इस ऑथर ने इस तरह की है कि ए प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस and taking action to ensure desired results. तो मैं बात कर रहा था controlling की definition से शुरू करते हैं. A process of monitoring performance and taking action to ensure desired results. To repeat, a process of monitoring performance and taking action to ensure desired results. इसको आप controlling कहेंगे. It sees to it that the right things happen in the right way and at the right time. So right things happen at the in the right way, procedure उसका ठीक हो और वक्त के ऊपर हो. ये controlling का मकसद है, यह controlling का objective है, ठीक है जी. Controlling is done well, it ensures that the overall directions of individuals and groups are consistent with short and long range plans. It helps ensure that objectives and accomplishments are consistent with one another throughout an organization. It helps maintain compliance
विद असेंशियल ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स एंड पॉलिसीज. कंपनी की पॉलिसीज रूल्स होती हैं. अगर आपकी कंट्रोलिंग टेक्निक अच्छी है और कंट्रोलिंग अच्छी हो रही है तो ये उसको हेल्प करता है कि उन पॉलिसीज को रूल्स को सारे अबाइड कर सकें. साइबरनेट कंट्रोल सिस्टम, साइबरनेट से आप वाकिफ हैं ये टर्मिनोलॉजी आजकल. वन दैट इज सेल्फ कंटेन्ड इन इट्स परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग एंड करेक्शन कैपेबिलिटीज. थर्मोस्टेट का लफ्ज भी इसको देते हैं. द कंट्रोल प्रोसेस प्रैक्टिस्ड इन ऑर्गेनाइजेशंस इज नॉट दैट साइबरनेटिक बट इट डज फॉलो सिमिलर प्रिंसिपल्स क्लोज टू दैट. एस्टेब्लिश ऑब्जेक्टिव्स एंड स्टैंडर्ड्स, मेजर एक्चुअल परफॉर्मेंस. ये प्रोसेस है, आपको इन स्टेप्स को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा कि एस्टेब्लिश योर ऑब्जेक्टिव्स एंड स्टैंडर्ड्स, मेजर एक्चुअल परफॉर्मेंस, कंपेयर रिजल्ट्स विद ऑब्जेक्टिव एंड स्टैंडर्ड्स, टेक नेसेसरी एक्शंस. एस्टेब्लिश ऑब्जेक्टिव, पहला वाला जो है ऑब्जेक्टिव और स्टैंडर्ड्स का, द कंट्रोल प्रोसेस बिगिंस विद प्लानिंग एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स. परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स आर डिफाइंड एंड द स्टैंडर्ड्स फॉर मेजरिंग देम आर सेट. देर आर टू टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड्स. पिछली स्लाइड में हमने स्टैंडर्ड का जिक्र किया, तो दो किस्म के स्टैंडर्ड्स हैं. एक है आउटपुट स्टैंडर्ड्स, दूसरे हैं इनपुट स्टैंडर्ड्स. आउटपुट जो हैं दे मेजर्स परफॉर्मेंस रिजल्ट्स इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, क्वालिटी, कॉस्ट और टाइम. ठीक है जी. इनपुट स्टैंडर्ड्स कौन से हैं? मेजर्स वर्क एफर्ट्स दैट गो इनटू अ परफॉर्मेंस टास्क. परफॉर्मेंस टास्क के जो अंदर जाते हैं चीज़ें वो इनपुट स्टैंडर्ड्स कहलाते हैं, और जो आउटपुट है उसको हम आउटपुट स्टैंडर्ड्स कहते हैं. मेजरमेंट्स मस्ट बी एक्यूरेट इनफ टू स्पॉट डिविएशंस और वेरियंसेस बिटवीन व्हाट रियली अकर्स एंड व्हाट इज मोस्ट डिजायर्ड. विदाउट मेजरमेंट इफेक्टिव कंट्रोल इज नॉट पॉसिबल. ओके, क्योंकि यार्ड स्टिक तो कोई होनी चाहिए ना जी, जिससे आप कंपेयर करेंगे. जब भी आप मुझे कुछ आप बात कहते हैं तो यही कहेंगे कि आपने ये अचीव करना था, ये अचीव किया और ये डिफरेंस इतना है, ये है. कंपेयरिंग रिजल्ट्स विद ऑब्जेक्टिव्स एंड स्टैंडर्ड्स, द कंपेरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद डिजायर्ड परफॉर्मेंस एस्टेब्लिश द नीड फॉर एक्शन. वेज ऑफ मेकिंग सच कंपेरिजन इंक्लूड हिस्टोरिकल रिलेटिव इंजीनियरिंग एंड बेंच मार्किंग. बेंच मार्किंग आप फेमिलियर हैं कि एक स्टैंडर्ड एक लाइन ले कर दी जाती है कि बेंच मार्क इसको अचीव करना है. ठीक है जी, इससे नीचे नहीं जाना. ठीक है, बेस्ट एग्जांपल पहले भी मैंने एक लेक्चर में दी थी. आजकल आप क्रिकेट की कमेंट्री वॉच करते हैं तो एक टीम जब फर्ज कीजिए श्रीलंका खेल चुका और पाकिस्तान खेल रहा है तो वो लैपटॉप के ऊपर वो प्लेयर्स भी देखते हैं और कप्तान जो है वो अपने प्लेयर्स को वो ग्राफ दिखा देता है कि पहले ओवर में ग्राफ कहाँ था, दूसरे में कहाँ था. तो T20 मैच में 20 ओवर्स में वो ग्राफ कैसे ऊपर गया, तो वो कप्तान अपने लड़कों को कहता है, प्लेयर्स को कहता है कि ये हमारा बेंचमार्क है, ये लेवल जो है इससे हमने कम नहीं जाना, अपना ऊपर रखना है अपने आप को. तो दैट मीन्स रन रेट पर ओवर की बात हो रही है. टेकिंग करेक्टिव एक्शंस, taking any action necessary to correct or improve things. Management by exception focuses managerial attention on substantial differences between actual and desired performance. Management by exception can save the manager's time, energy and other resources and concentrate efforts on areas showing the greatest needs. There are two types of exceptions: problems below standard, opportunities above standard. Best controls in organizations are strategic and results oriented, understandable, encourage self control. इस तरह से आप ये तरीका कार जो है, ये प्रैक्टिस जो है, इस तरीके से आप कंट्रोल इस्टेब्लिश करते हैं, ये इंट्रोड्यूस करते हैं, ये मेंटेन करते हैं. टाइमली एंड एक्सेप्शन ओरिएंटेड, पॉजिटिव इन नेचर, फेयर एंड ऑब्जेक्टिव, फ्लेक्सिबल. Preliminary types of control, sometimes called the feed forward controls, they are accomplished before a work actively begins. काम से पहले जो तैयारियाँ हैं, जो दूसरा है उस वक्त का कंट्रोल चाहिए. They make sure that proper directions are set and that the right resources are available. Briefing ठीक दे दी है आपने टीम को,
सारे इंस्ट्रक्शन सब पे वो क्लियर हैं, ठीक है जी, और रिसोर्सेज और टूल्स और मॉडल जिससे वो काम करना है वो अवेलेबल हैं, और फिर काम शुरू होता है। कंकरेंट फोकस ऑन व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द वर्क प्रोसेस, काम शुरू हो गया उसके दौरान भी कंट्रोल आपने रखना है, एस्टेब्लिश करना है, क्राइटेरियाज को मेंटेन करना है, थिंग्स आर बीइंग डन करेक्टली, ठीक है, आप मॉनिटर करते हैं और कंट्रोल रखते हैं कि चीज़ें अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन प्लान जा रही हैं। पोस्ट एक्शन समटाइम्स कॉल फीडबैक बड़ा कॉमन है, ठीक है, आप मॉडल्स के अंदर आप हर स्टेज के ऊपर फीडबैक आपका टीम मेंबर जो है वो देता है, और जब प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाता है फिर भी फीडबैक बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। टाइप्स ऑफ मैनेजर्स हैव टू ब्रॉड ऑप्शंस विद रिस्पेक्ट टू कंट्रोल, दे कैन रिलाई ऑन पीपल टू एक्सरसाइज सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन लोग हैं, सेल्फ ट्रेंड हैं, वो अपने आप का खुद ही वो साथ साथ करते हैं, सेल्फ कंट्रोल जिसे कहते हैं, अपनी सेल्फ मॉनिटरिंग करते हैं, ठीक है। अल्टरनेटली मैनेजर्स कैन टेक डायरेक्ट एक्शन विच इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल टू कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ अदर्स। इंटरनल कंट्रोल्स अलाउज मोटिवेटेड इंडिविजुअल्स टू एक्सरसाइज सेल्फ, इंटरनल कंट्रोल्स के लिए द पर्सन द एम्प्लॉय शुड बी मोटिवेटेड एंड डिसिप्लिन। द पोटेंशियल फॉर सेल्फ कंट्रोल इज एनहांस्ड व्हेन कैपेबल पीपल हैव क्लियर परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रॉपर रिसोर्स सपोर्ट। एक्सटर्नल कंट्रोल्स क्या है, इट अकर्स थ्रू पर्सनल सुपरविजन एंड द यूज ऑफ फॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स, परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम, कंपनसेशन बेनिफिट सिस्टम, एम्प्लॉय डिसिप्लिन सिस्टम एंड मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव, ये सारे एक्सटर्नल कंट्रोल की कैटेगरी में आते हैं। मैनेजमेंट प्रोसेसेस कौन कौन से हैं जो पहले भी जिक्र आया, स्ट्रेटजी एंड ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस अप्रेजल, जॉब डिज़ाइन एंड वर्क स्ट्रक्चर्स, परफॉर्मेंस मॉडलिंग, नॉर्म्स एंड ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। परफॉर्मेंस अप्रेजल से तो हम सब फेमिलियर हैं, कई ऑर्गेनाइजेशंस में बाई एनुअल परफॉर्मेंस होती है। अभी US में जिस कंपनी से मैं आया उन्होंने पहले नहीं था, बाद में इंट्रोड्यूस कर दिया कि 6 महीने के बाद सुपरवाइजर जो है वो उसकी हर एम्प्लॉय की एवेल्यूशन लिखेगा और ऊपर भेजेगा, और वो एज ए एडवाइजरी होती है मोर और लेस, उसमें एडवाइस होती है कि कहाँ कमियाँ हैं आप में, कहाँ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, क्या क्या है, कहाँ इम्प्रूव करें, कहाँ आपको ट्रेनिंग चाहिए, कहाँ आप खुद ट्रेनिंग करें, कहाँ आपको मैं ट्रेनिंग पर भेजूँगा, ये मैनेजर बोलता है अपने सबॉर्डिनेट्स को। और उसके बाद फिर एनुअल जो होती है उसके अंदर उस पर बेस है आपका इंक्रीमेंट करता है, प्रमोशन डिपेंड करती है, ठीक है, सुटेबिलिटी इस्टेब्लिश होती है। कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स, रिवार्ड सिस्टम, ह्यूमन माइंड इज ट्यून टू दैट, एम्प्लॉय का डिसिप्लिन, ट्रेनिंग के साथ डिसिप्लिन बड़ा ज़रूरी है। डिसिप्लिन इंसान के अंदर खुद ब खुद भी होता है, लेकिन उसको इन्फोर्स भी किया जाता है रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज और मैनेजर की पॉलिसीज की और कंट्रोल्स की वजह से। टू बी इफेक्टिव डिसिप्लिन शुड बी इमीडिएट, इन्फॉर्मेट, फोकस, कंसिस्टेंट सपोर्ट, ठीक है जी। तो साथ साथ आप अगर मैनेजर हैं तो साथ साथ आप पोलाइटली प्रॉपर वे से बट फर्मली, ठीक है, चेकिंग करते जाएं, कंट्रोल करते जाएं, टोकते जाएं, बताते जाएं साथ साथ, ठीक है, नॉट टू मच, नॉट टू लेस। इंफॉर्मेशन और फाइनेंशियल साइड एस्पेक्ट जो है वो भी हेल्प करता है टू कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल में एक चीज़ परचेजिंग है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ऑटोमेटिक री ऑर्डर पॉइंट्स, जस्ट इन टाइम स्केड्यूलिंग, ठीक है जी। अगर उसमें सिस्टम में एक चीज़ इंट्रोड्यूस कर दी हुई है कि ठीक है ये मटेरियल जब इस लेवल पे पहुंच जाएगा तो रिप्लेनिश कर दिया जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है जी। द पर्सन हु इज़ रिप्लेनिशिंग द मटेरियल नोज कि अब ये 25% रह गया तो मैंने कर देना है, ठीक है। ये भी आपको हेल्प करता है कंट्रोल सिस्टम में। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट प्रोग्राम एवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक आइडेंटिफाइड्स एंड कंट्रोल्स द मेनी सेपरेट इवेंट्स एंड कॉम्प्लेक्स, ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में भी ये टर्म और ये टेक्निक इस्तेमाल होती है और बड़ी पॉपुलर है ये। स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, ये क्वालिटी कंट्रोल में बात आगे हम करेंगे थोड़ी सी। तो ये हमने कंट्रोल बारे एक अपनी प्रेजेंटेशन देखी है।
उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। एक और दूसरी प्रेजेंटेशन भी मॉनिटरिंग और कंट्रोल के बारे है, इसको भी जल्दी से देख लेते हैं। अच्छा जी, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, वो दूसरे अल्फाज में उन्हीं चीज़ों को रीवर्ड करके इस ऑथर ने मॉनिटरिंग क्या है, कंट्रोलिंग क्या है, तो इससे अगली स्लाइड में प्रोजेक्ट मॉनिटर कंट्रोल तीन डब्ल्यूज हैं और एक एच है। व्हाई डू वी मॉनिटर, व्हाट डू वी मॉनिटर, व्हेन डू वी मॉनिटर, व्हेन देयर इज अ नीड, हाउ डू वी मॉनिटर। व्हाई में यह है सिंपली बिकॉज वी नो दैट थिंग्स डोंट ऑलवेज गो अकॉर्डिंग टू प्लान, टू डिटेक्ट एंड रिएक्ट अप्रोप्रिएटली टू डिविएशंस एंड चेंजेस। ये लीडर का, मैनेजर का काम है कि कुछ सिचुएशंस जब चेंज होती हैं तो अकॉर्डिंगली उस पर उसको रिएक्ट करना चाहिए। व्हाट डू वी मॉनिटर, ह्यूमन बीइंग को करते हैं हम, स्पेस को, टाइम को, टास्क को, मटेरियल को, मनी को, परफॉर्मेंस को, ठीक है, ये सारे वेरिएबल्स हैं, इनको हम, इन पे नज़र रखते हैं, इनको मॉनिटर करते हैं। ओके, व्हाट डू वी मॉनिटर, इनपुट आउटपुट, इनपुट साइड पे टाइम, मनी, रिसोर्सेज, मटेरियल, टास्क, क्वालिटी, टेक्निकल परफॉर्मेंस। आउटपुट साइड पे प्रोग्रेस देखते हैं आप देखते हैं कि कॉस्ट विद इन प्लान हो, जॉब स्टार्ट्स, जॉब कंप्लीशन, ठीक है, स्केड्यूल जिसे कहते हैं आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, इंजीनियरिंग डिज़ाइन चेंजेस अगर दरमियान में ज़रूरत पड़ जाती है तो उसके लिए मॉनिटरिंग करते हैं आप। वेरिएशन ऑर्डर अगर चेंजेस करनी है आपने तो उसके लिए जो प्रोसीजर पूरा करना है आप। When do we monitor end of the project? End of the project तो monitoring evaluation वो तो होती है, ठीक है, उसके feedback उसके बाद आप देते हैं। और continuously साथ as the project is going, as the production is going, तो monitoring जारी रहती है। Regularly ये कहें कि ये monitoring का ये aspect, ये step जो है हर महीने बाद किया जाएगा, reporting की जाएगी, ठीक है जी। जब लॉजिकली लॉजिक डिमांड्स एट सर्टन स्टेज तो आप करते हैं। व्हाइल देयर इज स्टिल टाइम टू रिएक्ट एज सून एज पॉसिबल ए टास्क ऑन टास्क कंप्लीशन ए प्री प्लान डिसीजन पॉइंट माइलस्टोन जिसे कहते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। फेजेस में आप अपना प्रोजेक्ट बांट लेते हैं कि ठीक है चार फेजेज हैं हमारे प्रोजेक्ट के, तो पहला प्रोजेक्ट फेज ये यहाँ पे हो, हम पहुँचेंगे तो हम कहेंगे जी हमारी फेज वन कम्प्लीट हो गई, ठीक है। Where do we monitor? At head office, at the site office, on the spot, depends on situation and what. How do we monitor? Through meetings, Gantt charts, PERT, schedules जो बनाते हैं आप, time table बनाते हैं, using earned value analysis, ठीक है, ये cost management में जब आप plan बनाते हैं project का, उसमें cost management chapter जो है उसके अंदर उसको आप, और इकोनॉमिक वैल्यूएशन में भी जिक्र आता है। कैलकुलेट क्रिटिकल रेशोज, माइलस्टोन्स, रिपोर्ट्स, टेस्ट एंड इंस्पेक्शन, डिलीवरी, पीएमआईएस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन्फो सिस्टम अपडेटिंग, ये तरीकाकार या टूल्स टू मॉनिटर। मीटिंग्स के बारे अब मजीद थोड़ी सी कर दी है टिप्स, ठीक है, एजेंडा जैसे आप कहते हैं, मीटिंग से पहले एजेंडा बन जाए तो बेहतर है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो बेहतर, लोगों को पता हो कि क्या प्रॉब्लम डिस्कस करनी है, और डू यू नीड एनी रिसोर्सेज टू डू दैट, डू यू नीड इंफॉर्मेशन यू डू नॉट हैव येट, डू यू नो एनीथिंग दैट विल गिव यू स्केड्यूल डिफिकल्टीज, एनी पॉसिबिलिटी योर टास्क विल फिनिश अर्लियर, Will your task be completed under a rover or on budget? ठीक है जी, ये डिस्कस करते हैं ऐसी बातें आप। प्रोजेक्ट कंट्रोल साइकिल इसने सजेस्ट कर दिया है एक, ठीक है, प्लान से शुरू होके उसके बाद मॉनिटर करते हैं, फिर कंपेयर करते हैं रिजल्ट्स को और उस पर करेक्टिव एक्शन लेते हैं आप। ये मेजर चार स्टेप्स में आप प्रोजेक्ट कंट्रोल कर सकते हैं। Control process and activities needed to correct deviation. Control the triple constraint, time, cost और performance. Triple constraint बोलते हैं इसके, ठीक है जी, एक triangle बना लें
उसके तीन एपेक्सेस के ऊपर ये लिख लें, तो बीच में है सेंटर में प्रोजेक्ट कंट्रोल, तो इन तीन चीज़ों से प्रोजेक्ट कंट्रोल अचीव हो सकता है। टेक्निक्स फॉर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, EVS एक है टेक्निक है, दूसरा क्रिटिकल रेशियो है, ये अर्न वैल्यू एनालिसिस को एक्सप्लेन किया गया है, ए वे ऑफ मेजरिंग ओवरऑल परफॉर्मेंस नॉट इंडिविजुअल टास्क इज यूजिंग एन एग्रीगेट परफॉर्मेंस मेजर, आप क्राइटेरिया यार्ड स्टिक्स ले की होती हैं उससे आप कंपेयर करते हैं, ये काफ़ी डिटेल्स में हैं बातें, मेथड फॉर एस्टिमेट परसेंट 50-50 एस्टिमेट, ठीक है जी, 0-100% रूल, क्रिटिकल पॉइंट इन रूल, दिस रूल असाइंस प्रोग्रेस अकॉर्डिंग टू अमाउंट ऑफ क्रिटिकल इनपुट दैट हैज़ बिन यूज, प्रपोज रूल प्रोपोर्शनल रूल, दिस रूल डिवाइड्स प्लान्ड और एक्चुअल टाइम टू डेट टोटल स्केड्यूल टाइम, कॉस्ट टू डेट बाय टोटल बजटेड कॉस्ट टू कैलकुलेट परसेंट कंप्लीट, दिस इज कॉमनली यूज्ड रूल, ये इसकी ये जो डिटेल्ड दी हुई है एक्सप्लेनेशन, इसको जस्ट फॉर योर नॉलेज सेक, ओके, थोड़ा एज लॉन्ग एज यू अंडरस्टैंड इट दैट्स गुड एनफ। अर्न वैल्यू एनालिसिस रेफर टू अर्न वैल्यू चार्ट बेसिस फॉर वैल्यूएटिंग कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस टू डेट, द टोटल वैल्यू ऑफ वर्क अकम्पलिशेज इन बैलेंस, अर्न वैल्यू कॉन्सेप्ट कंबाइंस कॉस्ट रिपोर्टिंग एंड एग्रीगेट परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग इन टू वन कॉम्प्रिहेंसिव चार्ट, अगेन फॉर योर नॉलेज इंफॉर्मेशन। अर्न वैल्यू में एक बेस लाइन होती है, पहले मैंने वो जिक्र किया था एक बेंच मार्किंग का, उससे मिलती जुलती ये बात है कि एक बेस लाइन है जिससे आप जिसको अचीव करना ज़रूरी होता है, कॉस्ट है, अगर उसकी कॉस्ट की बेस लाइन है तो उससे ऊपर नहीं आप जाएंगे, कोशिश करनी है, ठीक है जी, और इसी तरह टाइम उससे आप ज़्यादा खर्च नहीं करेंगे जो प्लान के अंदर, यू वॉन्ट टू कम्प्लीट अ प्रोजेक्ट विद इन बजट विद इन कॉस्ट एंड विद इन टाइम, ये वही चीज़ ग्राफ में एक्सप्लेन की हुई है, बेसिक्स फॉर एवेल्युएटिंग कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस जस्ट फॉर योर लिटिल इंफॉर्मेशन, ये वेरिएंसेस उसमें क्या वेरिएबल्स क्या हैं, कॉस्ट है, स्केड्यूल है, टाइम वेरिएंस है, ठीक है, ये फार्मूलाज ईवीए निकालने के हैं, ठीक है, ये एक एग्जांपल से उसको ईवीए को एक्सप्लेन इसने किया ऑथर ने, उन्हीं के अंदर इनकी जो ये फार्मूले हैं CVSVTV आपने निकालना है, ठीक है जी, और उसमें आप वैल्यूज़ डालेंगे तो ये आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं, पॉसिबल टू हैव वन ऑफ इंडिकेटर्स टू बी फेवरेबल वाइल अदर अनफेवरेबल माइट बी अहेड ऑफ स्केड्यूल एंड बिहाइंड कॉस्ट, सिक्स पॉसिबिलिटीज। तो कई दफ़े सिचुएशन ऐसे आ जाती है प्रोजेक्ट में कि बिकॉज ऑफ सम अनफोर्सीन और बिकॉज ऑफ समथिंग यू मिस्ड इन द प्लान अर्लियर और बिकॉज ऑफ सम मिस्टेक द कॉस्ट इज गोइंग अप एंड इफ़ यू वॉन्ट टू कीप द कॉस्ट यू हैव टू पुट मोर रिसोर्सेज, सो दैट मीन्स टाइम मे गो अप, सो इफ इज अ क्लाइंट इन्वॉल्व एंड यू आर डूइंग ए प्रोजेक्ट फॉर दैट क्लाइंट you have to ask the client that this is what has happened, you are trying to still make up for the time but cost may go up by 1% or 2% or something, so what do you say? Normally it depends, if you have the product has to be marketed as early as possible in the market and there's a competition going on, the client will say don't worry about the cost but I still want this by 30th of June, time wise not acceptable for me to go ahead, go beyond that date, ये ग्राफ्स हैं इसके EVA के। प्लान बेस लाइन एक्चुअल बेस लाइन वैल्यू कंप्लीटेड, ठीक है, आप ये प्लान के अंदर पास स्टडीज के ऊपर या अपने प्लान के बेस करके आप कहते हैं कि जी ये लाइन जो है हमारी ये प्लान है, टाइम वाइज डॉलर वाइज, वाई एक्सेस इज कॉस्ट एंड एक्स एक्सेस इज द टाइम, ओके, इस पे आप
ये लाइन ड्रॉ की हुई है, ये आप प्लान बेस्ड लाइन है, इसके बेंचमार्किंग कह लें ये वो, और ये आपका एक्चुअल कॉस्ट लाइन है, और उसके बाद ये वैल्यू कंप्लीटेड, एक्चुअल कंप्लीशन। ये उसी प्रॉब्लम का सलूशन दे दिया है एग्जांपल का। क्रिटिकल रेशो क्या है? समटाइम्स स्पेशली लार्ज प्रोजेक्ट्स इट मे बी वर्थ वाइल कैलकुलेटिंग ए सेट ऑफ क्रिटिकल रेशियोज फॉर ऑल प्रोजेक्ट एक्टिविटीज। क्रिटिकल रेशियो इज एक्चुअल प्रोग्रेस डिवाइडेड बाई स्केड्यूल प्रोग्रेस मल्टीप्लाइड बाई बजट कॉस्ट डिवाइडेड बाई एक्चुअल कॉस्ट। इफ रेशियो इज वन एवरी थिंग इज प्रॉब्ली ऑन टारगेट। इफ रेशियो अवे फ्रॉम वन द रेशियो इज द मोर वी मे नीड टू इन्वेस्टिगेट। ठीक है, वही कॉस्ट बेनिफिट का कॉन्सेप्ट है। अगर तो वन या उससे 1.1 है या 1.2 है या 1.3 है तो गुड, अगर वन से कम उसकी कॉस्ट बेनिफिट रेशियो है तो इट्स वरीसम, यू नो इट्स नॉट गुड फॉर अस। ये एक एग्जांपल, कैलकुलेट द क्रिटिकल रेशियो फॉर फॉलोइंग एक्टिविटीज एंड इंडिकेट व्हिच आर प्रोबेबली ऑन टारगेट एंड नीड टू बी इन्वेस्टिगेटेड। ठीक है, एक्टिविटी एक्चुअल प्रोग्रेस स्केड्यूल प्रोग्रेस बजटेड कॉस्ट एक्चुअल कॉस्ट एंड क्रिटिकल रेशियो। ठीक है, ये डाटा भर दिया और ये आप कैलकुलेट हमने करना है। क्रिटिकल रेशियो एग्जांपल कैन बी ऑन स्केड्यूल, कैन बी बिहाइंड स्केड्यूल, कैन बी ऑन बजट, कैन बी ऑन स्केड्यूल, ऑन बजट अहेड ऑफ स्केड्यूल। ठीक, इसमें ये चीज़ें मेन बात की है, नीड प्रॉपर प्रोजेक्ट कंट्रोल एंड सॉरी मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल मैकेनिज्म, टूल्स अवेलेबल टू हेल्प मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग एक्टिविटीज, देर आर ह्यूमन कंट्रोल एंड मैनेजमेंट एस्पेक्ट्स नॉट कवर्ड है। कंट्रोल के बाद वट एवर, आई मीन एज आई सेड अर्लियर ऑन, मिशन द विजन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज ऑलवेज क्वालिटी क्वालिटी क्वालिटी। वट एवर जॉब यू वॉन्ट टू डू, you want quality products to come out, okay, in your organization, in your production, in your everything, okay. Meaning of quality, total quality management, quality improvement and role of employees, strategic implications of total quality and six sigma concept. ये risk management का जब आप पढ़ते हैं तो उसके अंदर इसकी application आती है। ये एक technique, एक वो निकाल ली उसमें, और दिस हैज़ बीन यूज एज ए टेक्निक इन क्वालिटी मैनेजमेंट। तो क्वालिटी का ये है कि देर आर नेशनल स्टैंडर्ड्स एंड देर आर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। पाकिस्तान में भी है, आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो उसमें यू नीड टू फाइंड आउट, द मैनेजर वाइल मेकिंग ए प्लान नीड्स टू फाइंड आउट that are there any national standards which have been set by the local government, by the provincial government, by the federal government, which every company doing that job or making that production has to meet them, okay. So unko identify kar lijiye, aur baaz dafa ye hota hai ki uski production mein jaise steel products ko bana rahe hain aap, तो सेफ्टी के एस्पेक्ट से या वैसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स रिकग्नाइज्ड हैं वो आप अपने सामने रखना चाहते हैं, उनको आप अचीव करना चाहते हैं। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी मैनेजमेंट एंड प्रोडक्टिविटी, आइडेंटिफाइंग क्वालिटी प्रॉब्लम्स एंड कॉजेज, क्वालिटी अवार्ड्स एंड सेटिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, ये ISO 9000 ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसने बना दिए हैं वर्ल्ड रिकग्नाइज्ड स्टैंडर्ड्स और उनका नंबर दे दिए हैं। ठीक है, इसमें ये 9000 का जिक्र है। मीनिंग ऑफ क्वालिटी क्या है? वेबसाइट डिक्शनरी, अगर डिक्शनरी अंग्रेजी की लें तो डिग्री ऑफ एक्सेलेंस ऑफ अ थिंग यू वांट टू अचीव, एज आई सेड अर्लियर, एक्सेलेंस एक्सेलेंस एक्सेलेंस। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ क्वालिटी, totality of features and characteristics that satisfy the needs, consumers and producers perspective। आजकल पाकिस्तान में
मैं जब 2 साल पहले यूएस से आया तो पहली दफ़े मैंने यहाँ सुना कि वो अगर क्वालिटी कंप्रोमाइज़ हो और क्वालिटी की चीज़ ना हो तो वो दोस्त मेरा कहता कि यार इस चीज़ को मत लो, ये नंबर दो है। तो अब वो आदमी के बारे भी हम टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे कि यार नहीं 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 उससे दूर रहना यार, नंबर दो आदमी है या ये यार वो ना लो, ये चाइनीज़ मेड है तो ये कोई वारंटी के साथ गारंटी के साथ नहीं आता ये चीज़, ओके ये जनरेटर ना लेना, ये नंबर दो है। तो वो क्वालिटी को रेफर कर रहा है, परफॉर्मेंस को, ठीक है। मीनिंग ऑफ क्वालिटी कंज्यूमर्स परस्पेक्टिव, फिटनेस फॉर यूज, क्वालिटी ऑफ डिजाइन, ये देखें एग्जांपल उसने दी है फोर्ड कार की और मर्सिडीज की। मर्सिडीज जर्मनी में बनती है आपको पता है, फोर्ड अमेरिका में, ठीक है। दोनों ही गाड़ियां इस्तेमाल आप कर सकते हैं लेकिन आपको पता है डिफरेंस कॉस्ट में क्यों है, ठीक है, बिकॉज क्वालिटी ऑफ द पार्ट्स, क्वालिटी ऑफ द मैकेनिकल सिस्टम, क्वालिटी ऑफ द इलेक्ट्रिकल सिस्टम, क्वालिटी ऑफ सेफ्टी एस्पेक्ट्स, दैट्स वाई मर्सिडीज गाड़ी महंगी है। डायमेंशंस ऑफ क्वालिटी मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, परफॉर्मेंस वाइज उसके फीचर्स, आप गाड़ी लेने जाएं या कोई चीज़ लेने जाएं तो वो सेल करने वाला आपको बेसिक्स बता के तो उसको बताता है कि जी इसके एक्स्ट्रा फीचर्स इसमें ये हैं, ठीक, जो इसी प्राइस में आपको मिल रहे हैं। रिलायबिलिटी, आप रिलायबिलिटी मांगते हैं कि ये इसकी लाइफ लॉन्ग हो और सेफ्टी वाइज इसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो और ये ना हो कि वो रास्ते में खड़ी हो जाए। डायमेंशंस ऑफ क्वालिटी कंटिन्यूड, कन्फॉर्मेंस डिग्रीज टू विच ए प्रोडक्ट मीट्स प्री एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स। शुरू में अगर ये है कि जी ये इतने इतने हज़ार किलोमीटर तक कोई इसमें ख़राबी नहीं होगी तो वो फिर ऐसे होना चाहिए। ड्यूरेबिलिटी, लास्ट लॉन्ग, सर्विसेबिलिटी, ईजी टू गेट स्पेयर पार्ट्स, ठीक, अगर किसी चीज़ के पार्ट्स ही ना मिले पाकिस्तान में तो फिर वो उस चीज़ की वैल्यू भी कम हो जाएगी क्वालिटी वाइज। दूसरे एस्थेटिक्स, हाउ ए प्रोडक्ट लुक्स, फील, साउंड्स, आप गाड़ियाँ खड़ी हैं तो बज दफ़े दूर खड़े होकर आप देखते हैं तो हर इंसान को डिफरेंट अपील होता ही होती है। परसेप्शंस, सब्जेक्टिव परसेप्शंस बेस्ड ऑन ब्रांड नेम, एडवर्टाइजिंग एंड द लाइक, परसेप्शन भी बन जाते हैं कि जी उसके पास मर्सिडीज है, उसके पास जी लेक्सस है। टाइम एंड टाइमलीनेस, हाउ लॉन्ग मस्ट कस्टमर वेट फॉर सर्विस, ठीक है। कंप्लीटनेस इज एवरीथिंग कस्टमर आस्क्ड फॉर प्रोवाइडेड, कर्टसी, कंसिस्टेंसी, आप जो समझते हैं, एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस, एक्यूरेसी, इज द सर्विस परफॉर्म्ड राइट एवरी टाइम, रिस्पॉन्सिवनेस, हाउ वेल डज द कंपनी रिएक्ट टू द अनयूजुअल सिचुएशन, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है तो कंपनी उसको कैसे फेवरेबली रिएक्ट करती है, कहती है फौरन लेके आए जी, आप फिक्र ना करें आप जी। क्वालिटी ऑफ कन्फॉर्मेंस क्या है, मेकिंग श्योर ए प्रोडक्ट सर्विस इज प्रोड्यूस्ड अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइन, कंसिस्टेंट डिज़ाइन, ठीक है, सारी गाड़ियाँ एक तरह से बन रही हैं। कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स परस्पेक्टिव डिपेंड ऑन ईच अदर, कंज्यूमर्स परस्पेक्टिव प्राइस, प्रोड्यूसर्स परस्पेक्टिव इज कॉस्ट, कंज्यूमर्स व्यू मस्ट डोमिनेट, ठीक है, कस्टमर की इंपॉर्टेंस ज़्यादा होनी चाहिए। मीनिंग ऑफ क्वालिटी क्या है, ठीक है जी, एक चार्ट में बड़े अच्छे तरह से एक्सप्लेन कर दिया है कि मीनिंग ऑफ क्वालिटी का मतलब क्या है, प्रोड्यूसर्स परस्पेक्टिव, कंज्यूमर परस्पेक्टिव और क्वालिटी ऑफ कन्फॉर्मेंस, क्वालिटी ऑफ डिज़ाइन, ठीक है जी, इधर प्रोडक्शन है, इधर मार्केटिंग है उसकी, और फिटनेस फॉर कंज्यूमर यूज़, ये इनसे दोनों साइड से आउटकम आ गया इसका। लेकिन ये प्रोडक्शन हो रही है, इनको मद्देनज़र रख के इन स्टेप्स को, इन चीज़ों को, और फाइनली उस प्रोडक्ट को फिर आपने मार्केट भी करना है, ये मार्केट होती हैं। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, कमिटमेंट टू क्वालिटी थ्रू आउट ऑर्गेनाइजेशंस,
प्रिंसिपल्स ऑफ TQM कस्टमर ओरिएंटेड लीडरशिप, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, कोऑपरेशन, स्टैटिस्टिकल मेथड्स, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, क्वालिटी गुरुज, पास्ट में जो क्वालिटी पे जिन लोगों ने काम किया है और जिन लोगों ने जो मास्टर माने जाते हैं, वॉल्टर शिवार्ट एंड एडवर्ड डेमिंग 1920s में, पहली वर्ल्ड वॉर के करीब, फिर उसके दूसरी वर्ल्ड वॉर 30s में, लेट 30s में, जोसेफ युआन 54 में ये लेटर आया है। दो और हैं लेटेस्ट, जो क्रॉसबी 90s, एम्फेसाइज द कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी फार आउटवे द कॉस्ट ऑफ प्रिवेलिंग पुअर क्वालिटी। अपने अपने उन्होंने सबक का जो सीखे हैं वो आपको बता रहे हैं। उनमें जो डेमिंग था उसने 14 प्रिंसिपल पॉइंट्स के एक आपको क्रिएट कॉन्स्टेंसी ऑफ पर्पस, अडॉप्ट फिलॉसफी ऑफ प्रिवेंशन, सीज मास इंस्पेक्शन, सिलेक्ट अ फ्यू सप्लायर्स बेस्ड ऑन क्वालिटी, कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव सिस्टम एंड वर्कर्स, इंस्टीट्यूट वर्कर ट्रेनिंग, इंस्टिल लीडरशिप अमंग सुपरवाइजर्स, एलिमिनेट फियर अमंग एम्प्लॉयज, शाइना हो, एलिमिनेट बैरियर्स बिटवीन डिपार्टमेंट्स, इंटरेक्शन होना चाहिए डिपार्टमेंट्स में, इंफॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए, एलिमिनेट स्लोगन्स, ठीक, नारेबाजी की जरूरत नहीं है, काम करके दिखाइए, रिमूव न्यूमेरिकल कोट्स, इन्हांस वर्कर प्राइड, इंस्टीट्यूट विगरस ट्रेनिंग, डिवेल्प ए कमिटमेंट फ्रॉम टॉप टू मैनेजमेंट टू इम्प्लीमेंट अबव 13 पॉइंट्स। डेमिंग व्हील उसने एक बना दिया है, ग्राफिक एक बहुत अच्छा, ठीक है जी, प्लान डू स्टडी एक्ट। पार्टनरिंग कस्टमर्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पार्टिसिपेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, इकट्ठे टीम वर्क, ये मिकी माउस आ गया आपका। क्वालिटी सर्कल, ठीक है जी, ऑर्गेनाइजेशंस ट्रेनिंग, प्रॉब्लम एनालिसिस, पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करें, एनालाइज करें, सॉल्यूशन ढूंढें और प्रेजेंट करें उसको। स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस ऑफ, ठीक है जी, स्ट्रांग लीडरशिप, गोल्स विजन्स एंड मिशन, ऑपरेशनल प्लान्स एंड पॉलिसीज, मैकेनिज्म फॉर फीडबैक, सिक्स सिग्मा, बहुत जगह पे आप देखेंगे, प्रोसेस फॉर डेवलपिंग एंड डिलीवरिंग नियर परफेक्ट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, मेजर ऑफ हाउ मच ए प्रोसेस डिविएट्स फ्रॉम परफेक्शन, 3-4 डिफेक्ट्स पर मिलियन अपॉर्चुनिटीज, ये इससे ज़्यादा डिफेक्ट्स एक मिलियन में नहीं आने चाहिए, वो हाई स्टैंडर्ड है। चैम्पियन एन एक्सेलेंट रिस्पॉन्स फॉर प्रोजेक्ट सक्सेस, ब्लैक बेल्ट एंड ग्रीन बेल्ट्स, मास्टर बेल्ट, ये कराटे की बातें शुरू हो गई। टॉप कौन सी होती है? ब्लैक बेल्ट। वही आपको क्वालिटी के बारे से एक्सप्लेन करने के लिए एक लेफ्ट से राइट अच्छा ग्राफिक फॉर्म में बना दिया है। डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इम्प्रूव, कंट्रोल। सर्विस कंपनीज में TQM, प्रिंसिपल ऑफ TQM, सर्विसेज एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैव सिमिलर इनपुट्स बट डिफरेंट प्रोसेसेस, और इनपुट्स मिलते जुलते हैं लेकिन उनका टेक्निक्स, प्रोसेसेस और
प्रोसीजर्स में आगे डिफरेंट होती हैं. सर्विसेज टेंड टू बी लेबर इंटेंसिव, सर्विस डिफेक्ट्स आर नॉट ऑलवेज इजी टू मेजर. बेंचमार्क की बात पहले हो गई है, टाइमलीनेस की बात, कॉस्ट की बात कर रहे हैं अभी हम. लेकिन कॉस्ट मकसद होता है क्वालिटी अचीव करना. कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी, क्योंकि पुअर क्वालिटी अगर फिक्स हो सकती है तो आपको फिर उसमें भी कॉस्ट आपकी आएगी. प्रिवेंशन कॉस्ट, क्वालिटी प्लानिंग कॉस्ट, प्रोडक्ट डिज़ाइन कॉस्ट, प्रोसेस कॉस्ट, ट्रेनिंग कॉस्ट, इंफॉर्मेशन कॉस्ट, अप्रेजल, इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग, टेस्ट इक्विपमेंट कॉस्ट, ऑपरेशंस कॉस्ट, ऑपरेटर कॉस्ट, इंटरनल फ्लेयर कॉस्ट, ये वेरियस टाइप्स ऑफ कॉस्ट हैं जो सारी आपको इनकर करनी पड़ेगी. स्क्रैप कॉस्ट, रीवर्क कॉस्ट, प्रोसेस फेल्योर कॉस्ट, प्रोसेस डाउन डाउन टाइम कॉस्ट, प्राइस डाउन ग्राउंड कॉस्ट, प्राइस डाउन ग्रेडिंग, ये एक्सटर्नल फेल्योर कॉस्ट हैं. कस्टमर कंप्लेंट, प्रोडक्ट रिटर्न, वारंटी क्लेम्स, फिर वारंटी आप रिप्लेस करते हैं, चीज़ रिपेयर करते हैं, उसकी कॉस्ट होती है. प्रोडक्ट लाइबिलिटी, कोई एक्सीडेंट्स हो गया, कुछ हो गया, लिटिगेशन शुरू हो गई, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट्स आप करते हैं कि ले भाई ये पैसे ले ले भाई, जान हमारी छोड़ो. लॉस्ट या जज अवार्ड दे देता है, लॉस्ट सेल्स कॉस्ट. इंडेक्स नंबरिंग, लेबर इंडेक्स, कॉस्ट इंडेक्स, सेल्स इंडेक्स, प्रोडक्ट इंडेक्स, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, ये कॉस्ट पे काफ़ी डिटेल में. प्रोडक्टिविटी, ये कॉस्ट कैलकुलेटेड करने का फार्मूले हैं, इसमें डिटेल में हम नहीं जाएंगे, लेकिन मैंने स्लाइडें यहाँ छोड़ दी हैं इसके अंदर, ठीक है, कि दे कैन बी यूजफुल. क्वालिटी प्रोडक्टिविटी रेशो है. सेवन क्वालिटी कंट्रोल टूल्स, एक प्रेटो एनालिसिस कहलाता है, फ्लो चार्ट, चेक शीट, हिस्टोग्राम, ये ग्राफिक्स रिपोर्ट प्रेजेंटेशंस में आप इनको यूज़ कर सकते हैं, इन टेक्निक्स को, इन तरीकों को. कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम्स, प्रेटो एनालिसिस ये है कि आप नंबर ऑफ डिफेक्ट्स जो हैं डाटा इकट्ठा करते हैं परसेंटेज वाइज, और उसका हिस्टोग्राम बना लें, उससे ये इंडिकेट हो जाएगा. फ्लो चार्ट में दिखा दें, बड़ा पॉपुलर है ये, ठीक है. कंप्यूटर डायग्राम, कंप्यूटर फ्लो चार्ट बड़े यूजफुल है. चेक शीट होती है प्रोडक्शन में, हिस्टोग्राम, वे टू शो प्रोग्रेस, वे टू शो, स्कैटर डायग्राम, लीनियर रिग्रेशन से कॉन्सेप्ट से तल्लक है इसका. ये कंट्रोल चार्ट है, जैसे ये एक लाइन है जिसके नीचे जाते हैं ऊपर जाते हैं ये, ठीक है. तो जैसे मैंने क्रिकेट स्कोर को आपको एग्जांपल दी थी, मैंने कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम बना लें आप. ये सारे तरीके हैं कंट्रोल के और क्वालिटी अचीव करने के. बाल्ड्रिज अवार्ड एक स्टडी की बात कर रहे हैं, अदर अवार्ड्स का जिक्र है, नेशन इंडिविजुअल अवार्ड्स, ये केस स्टडीज की बात है, यहाँ हमसे रेफरेंस लिया हुआ है. अमेरिकन कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंडेक्स किसी ने रिसर्च करके बना दी है, ये 1994 में बनाई गई, ये इस वेब पेज पे मौजूद है. ये ISO 9000 जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, सेट ऑफ प्रोसीजर्स एंड पॉलिसीज फॉर इंटरनेशनल क्वालिटी सर्टिफिकेशन ऑफ सप्लायर्स स्टैंडर्ड्स, ये उसके आगे फर्दर स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, इसमें 9000 में. तो इंटरनेट के अगर ऊपर जाएं आप, ये एंटर करें, तो ये पूरी आपको मैनुअल मिल सकता है, उसमें सारे स्टैंडर्ड्स हैं बयान किए हुए हैं. तीसरा टॉपिक जो इस लेक्चर में मैंने कहा था वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे था. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये टर्म जो है, ये फील्ड जो है, इसकी इम्पोर्टेंस पिछले सालों में इतनी बड़ी है कि अब वो
बिल गेट के नाम से और स्टीव के नाम से एप्पल वाले के, तो ये इतना आगे गया है कंप्यूटर्स और टेलीफोन्स और दूसरे। तो अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ जो है वो हर प्रोजेक्ट में है तकरीबन, और इसका नॉलेज जो है बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। तो मैनेजमेंट के अंदर भी आईटी इज़ प्लेइंग ए बिग रोल, और इस वास्ते उसके बारे भी एक मैनेजर को ये कॉन्शियस होना चाहिए कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो उसकी एजुकेशन रिक्वायर्ड लेवल तक उसमें होनी चाहिए। जब एक प्रोजेक्ट प्लान बनाओगे तो उस यूज़ करने के लिए अगर आपको इंफॉर्मेशन इतनी नहीं है, तो आपकी टीम में कोई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला लड़का या लड़की होना चाहिए टीम मेंबर, ताकि वो उस एस्पेक्ट्स को लुक आफ्टर कर सके। तो ये एक मिस्टर राज रेड्डी ने बनाई है छोटी सी प्रेजेंटेशन, इससे हम थोड़ा सा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करेंगे। देर आर 4 बिलियन पीपल हु सब्सिस्ट ऑन लेस देन $2,000 पर ईयर इनकम। ठीक है जी। ए ग्रैंड चैलेंज इन आईटी फॉर इमर्जिंग इकोनॉमीज, वर्ल्ड्स पुअर हैव मोर टू गेन इन रिलेटिव टर्म्स, रिव्यू द बैरियर्स दैट मेक इट डिफिकल्ट टू रियलाइज द 4 Cs ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी, विच इज कनेक्टिविटी, कंप्यूटर एक्सेस, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड कॉन्टेंट। कैपेसिटी बिल्डिंग ये है कि आजकल ये बड़ी पॉपुलर टर्म है चंद सालों से, कि आप प्रोजेक्ट्स में रिसर्च के अंदर आप एग्जिस्टिंग सिचुएशन जो है एक ऑर्गेनाइजेशन की या एक सिस्टम की, उसको पहले स्टडी करते हैं, एवेल्युएट करते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या चीज़ों की ज़रूरत है, क्या और चीज़ चाहिए, और वो जो कमियां हैं उनको पूरा करने के लिए उसको हम कैपेसिटी बिल्डिंग का नाम देते हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग कैन बी फॉर ए यूनिवर्सिटी ऑल्सो, एजुकेशन सिस्टम में, फॉर ए कंपनी इन ट्रेनिंग भी हो सकती है, प्रोडक्शन में भी हो सकती है, तो ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट्स में भी हो सकती है कैपेसिटी बिल्डिंग। तो ये बड़ी पॉपुलर टर्मिनोलॉजी आ गई है। पुअर हैव मोर टू गेन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट। और डेवलपमेंट 3 किस्म की, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो कंट्री बेस पे है, वो आप कहते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान, हमारा 4-5 साल वाला ख़त्म हुआ है, अगला 5 साल का गवर्नमेंट ने बना दिया है। एक चीज़ है सोशल डेवलपमेंट, फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ नॉलेज, इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी ऑफ गवर्नमेंट ऑपरेशंस। ठीक है ना, मीडिया है, अब आजकल एवरी सिटीजन वांट टू नो दैट शफाफ तरीके से जो गवर्नमेंट काम करे और नज़र आए कि क्या है वो ये है। तो आई होप हमारी गवर्नमेंट भी शफाफ तरीके से काम करना शुरू कर देगी कभी। पर्सनल डेवलपमेंट ये है कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग, आप सारी उम्र कभी आपका जिसे कहते हैं कि यू आर स्टूडेंट फॉर लाइफ। ठीक है जी। ये नहीं कि आप कोई PhD कर लिया, MS कर लिया, आपने कहा ठीक है जी मैंने नॉलेज हासिल कर लिया, अब इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है, दैट्स अ रॉन्ग एटीट्यूड। तो पर्सनल अपनी डेवलपमेंट जो है उसको आप नॉलेज को किताबें पढ़ के, इंटरनेट से, दूसरा आप कंटिन्यूस प्रोसेस है ये। कनेक्टिविटी डिवाइड एक्सेस टू फ्री इंटरनेट फॉर बेसिक सर्विसेज। अब सबसे बड़ी राय कंप्यूटर के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर, आप लिटरेचर रिव्यू और सर्च के बाद अब 90% से ज़्यादा फ्री आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है। और बाकी अगर थोड़ा बहुत ख़रीदना भी है, पे भी करना है, तो वो कई नॉमिनल कॉस्ट पे आपको अच्छी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। एक डिजिटल लिटरेसरी डिवाइड कहते हैं, लैंग्वेज डिवाइड, लिटरेसी डिवाइड, कंटेंट डिवाइड क्या है, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, एक्सेस टू हेल्थ केयर, एक्सेस टू एजुकेशन, एक्सेस टू जॉब्स। ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे में भी है। प्रॉक्सिमिटी हर सिटीजन का राइट है कि गवर्नमेंट जो है वो प्रॉक्सिमिटी टू हेल्थ सर्विसेज, टू एजुकेशन, टू ट्रांसपोर्ट। अगर मैं सुबह उठता हूँ तो ये सोसाइटी की जिम्मेदारी है, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है टू प्रोवाइड मी ए सिस्टम वेयर बाई आई कैन गो टू माई जॉब प्लेस एंड कम बैक सेफली। जिसके लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो, अगर मेरी गाड़ी है तो उसके लिए लोकल गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड ए गुड रोड। टैक्सेस लेते हैं सारे। ठीक। पेरिस के मतलब मैंने ये सुना है, आई डिड नॉट चेक इट, कि सैलरी में से आपके टैक्सेस और दूसरे जो हैं वो 40-50% कट जाते हैं। अगर आप
$4,000 पर मंथ की जॉब कर रहे हो तो आप 2,000 जेब में लेके आते हो घर, लेकिन 2,000 में जो आपकी लोकल गवर्नमेंट है वो सारा कुछ करती है। आपकी एवरी डे स्ट्रीट्स आर वॉश्ड इन पेरिस, और हेल्थ फ्री है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, दूसरा है, दूसरा है, तो उसी 2,000 पर मंथ से आपके काट के वो आपको सर्विसेज सारी प्रोवाइड करते हैं। नेसेसरी कंडीशंस टू रियलाइज द पोटेंशियल बेनिफिट्स, ऑलमोस्ट फ्री एक्सेस टू इंटरनेट, इंटरनेट तकरीबन फ्री है, गूगल है, ठीक है, और दूसरे हैं, क्लियर वैल्यू प्रोपोजिशन, एक्सेसिबल, अफोर्डेबल, ठीक है। अब सिर्फ एक कंप्यूटर चाहिए, और वो भी अब ये ऑफिसेज खुले हुए हैं, थोड़े से पैसों के साथ आप आधे घंटे के लिए यू कैन यूज़ देयर कंप्यूटर एंड फाइंड आउट इंफॉर्मेशन, यू नो। तो उसमें ये नहीं है कि एक अमीर आदमी सिर्फ अब एक्सेस है उसको इंटरनेट की और इंफॉर्मेशन की, ठीक है। दिन ब दिन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो कॉस्ट वाइज बड़ी सस्ती हो रही है, और इसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में बिजनेसेस को भी है, लेकिन स्टूडेंट्स को भी है, रिसर्च में प्रोफेसरों को है। ये स्केलेबल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, कनेक्टिविटी, फाइबर टू द विलेज, कंप्यूटर एक्सेस, कैपेसिटी बिल्डिंग जिक्र हो गया, कंटेंट की बात हो गई है। कनेक्टिविटी का क्या मतलब है, उसकी डेफिनेशन, करंट कॉस्ट ऑफ कनेक्टिविटी, ये स्टडीज पे बेस करके एक आपको आइडिया दे दिया है कि इतनी डॉलर्स पर मंथ लाइन चार्ज है, इतना ये है वो है, ये रिसर्च का नतीजा है, किसी की स्टडी का है। जस्ट आप भी प्रोजेक्ट करना चाहें तो इस पर रिसर्च कर लें, आप डाटा इकट्ठा करें और राइट ए पेपर, डू थीसिस, डू समथिंग। कंप्यूटर एक्सेस, पीसी, टीवी, वीडियो रिकॉर्डर, टेलीफोन, देखें आप कहाँ हम पहुँच गए हैं, कितनी कितनी आसानियाँ हैं और क्या है, ठीक है। अब पर्सनल कंप्यूटर जो हैं वो जॉब के लिए भी हैं, उससे आप बिजनेस भी रन कर सकते हैं, होम बेस्ड बिजनेस कर सकते हैं। प्रोफेशनल लाइफ में आप यहाँ से लाहौर जाते हैं, ड्राइवर में बैठे हुए हैं, आपकी बैटरी अगर है 2-3 घंटे काम करती है तो बड़े मज़े से आप यू कैन डू दैट, और वॉच ए मूवी और प्ले सम गेम और डू सम प्रोफेशनल वर्क, प्लान ए प्रोजेक्ट। ये ग्राफिक्स में दिखा दिया है, ये इंफॉर्मेशन डिसमिनेशन दिखाया हुआ है, सम कम्युनिटी और विलेज के अंदर औरतों की कोई क्लास चल रही है, कोई प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है। इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है, स्पीकर, प्रेजेंटर, ट्रेनर, टीवी, डीवीडी, चंद पिक्चर्स आके दिखाता है। कंटेंट की बात हो गई, डे टू डे एप्लीकेशंस और पोटेंशियल यूज़ इन ए विलेज, ठीक है। अब इसका इस्तेमाल जो है कम्युनिटी और विलेज लेवल पे भी है, ठीक, वहाँ ट्रेनिंग प्रोजेक्ट्स हैं, वहाँ पे मदर्स के लिए, चिल्ड्रन के लिए प्रोग्राम्स हैं, हेल्थ के बारे में, ठीक है, इंफॉर्मेशन डिसमिनेट की जा सकती है। डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी क्या है, मैनी बिजनेसेस एज वी नो दम टुडे विल नॉट एग्जिस्ट इन 10 to 20 years, ठीक है। अमेरिका में स्टडीज हैव शोन दैट हाफ ऑफ द स्मॉल बिजनेसेस विच आर स्टार्टेड दे फेल विद इन 3 to 5 years। तो ये भी आप ना समझें कि हर बिजनेस किसी ने को सेटअप किया है तो वो कामयाब ही होता है, और जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जितना कोई ठीक और अच्छा इस्तेमाल करेगा सक्सेस के चांसेस ज़्यादा हैं। आज के लेक्चर में ये आखिरी जल्दी से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे प्रेजेंटेशन है, ये एक बुक से उसने ली है, बुक का कोई बुक का उसकी कोई सेल पिच है कि उसमें क्या क्या पार्ट्स हैं, क्या क्या कवर किए हैं। आईटी इन द ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 1 में वो डिस्कस करता है, ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस, आईटी सपोर्ट एंड एप्लीकेशंस, आईटी सपोर्ट सिस्टम, दूसरे पार्ट में आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, दिस पार्ट इंट्रोड्यूसेस टू द 2 मेजर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आईटी व्हिच इज डाटा एंड नेटवर्क्स, एंड बोथ पार्ट्स इंक्लूड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मोस्ट कॉमन एप्लीकेशंस, मैनेजिंग डाटा, डेटाबेस एंड वेयर हाउसिंग, नेटवर्क कंप्यूटिंग फॉर कोलेबोरेशन। पार्ट 3 में द वेब रेवोल्यूशन के बारे बताता है, ई कॉमर्स एंड ई बिजनेस, आप फेमिलियर हैं आप, ठीक है, ई बुक का इंटरनेट के ऊपर है,
और बहुत सारी फ्री किताबें आप डाउनलोड कर सकते हैं, वायरलेस डिवाइसेस एंड अदर अप्लायंसेस, पार्ट फोर में ऑर्गेनाइजेशनल एप्लीकेशंस, आईटी कंप्लायंस अंडरस्टैंडिंग ग्लोबल एंड इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम, पार्ट फाइव में मैनेजेरियल एंड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसके अंदर मैनेजिंग नॉलेज, कॉरपोरेट परफॉर्मेंस, मैनेजेरियल डिसीजन मेकिंग एंड आईटी सपोर्ट सिस्टम, पार्ट सिक्स में इम्प्लीमेंटिंग एंड मैनेजिंग, ये अच्छी किताब है। इसके अंदर आईटी स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव प्लानिंग, इकोनॉमिक्स ऑफ आईटी, आईटी एप्लीकेशन एक्विजिशन एंड ऑप्शंस, एस्टेब्लिशिंग एंड मैनेजिंग आईटी सिक्योरिटी सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ हैकर्स एंड इसी वास्ते यूज़र अकाउंट पासवर्ड्स, ठीक आप करते हैं पासवर्ड बदलते रहते हैं, बिकॉज देर आर पीपल आउटसाइड हु आर ट्राइंग टू एक्सेस योर अकाउंट, एक्सेस योर मनी, एक्सेस योर इन्फॉर्मेशन। टेक्नोलॉजी गाइड्स ऑनलाइन, इसके ऊपर ये वेब पेज है, तो वाइली इंसान्स ने ये किताब बना छापी है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डाटा एंड डाटा बेसिस टेली कम्युनिकेशन इंटरनेट एंड द वेब ए टेक्निकल व्यू ऑफ द सिस्टम एनालिसिस। तो ये इस किताब को एक्सप्लेन किया है, उसके पार्ट्स हैं। तो इस बुक के अंदर हमें थोड़ा सा इसको देखने से अंडरस्टैंडिंग हो गई कि ये आईटी के अंदर क्या क्या मेजर पार्ट्स हैं, मेजर एरियाज हैं, जिनके अंदर एक इसको अंडरस्टैंड किया जा सकता है, या एक किताब जो है उसके पार्ट्स क्या है। तो इट्स अ गुड बुक। तो आज हमने कंट्रोलिंग परफॉर्मेंस इन द ऑर्गेनाइजेशंस पे बात की, और उसके बाद क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और क्वालिटी और टोटल क्वालिटी पे हमने डिस्कस किया और या देखा प्रेजेंटेशन में, और आखिर में तो एक प्रेजेंटेशन से दो से बल्कि रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन प्रोजेक्ट प्लानिंग इन मैनेजमेंट इन मैनेजिंग उसको हमने थोड़ा सा देखा और प्रेजेंटेशन को देखा। आई होप ये तीनों टॉपिक्स में आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा और आपके नॉलेज में काफ़ी इजाफा हुआ होगा। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर पे आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।